person whose eyes were plugged out, private parts castrated, nails and hairs were plugged out, even mutilated after death. And somebody on a seat of respect and responsibility says he joined army for money because he was unemployed. This is the country where a politician can speak man ki baat, an actor can, a baba can speak, a politician can ask for proofs. Now someone must have to tell the state of heart of army personnel. Ek fauji ke man ki baat, ek fauji ka khat rashtra ke naam. Le lo mere purkhon ki amanat, meri maa aur dadi ke jevar, ab tak ki mehnat ki gaadi, kamai, ye sari zameen jayadad ke kagaz. कोई कह रहा था कि फौजी बेरोजगार था, मजबूरी में पैसे के लिए लड़ने सरहद पर गया था। हाँ तो गया था, मान ली तुम्हारी बात, सब ले लो और लौटा दो एक माँ को उसका बेटा। एक बेवा को उसकी मांग का सिंदूर, एक बहन को उसका भाई, रोते बिलखते बच्चों को उनका पिता, तो बार बार यही पूछ रहे हैं कि पापा बोल क्यों नहीं रहे। जब तुम्हारा बेटा बचपन में शॉपिंग मॉल से महंगी कारों की रेप्लिका खरीद कर लाता था, तो ये फौजी मेले के हाट से फौजी की टोपी और बंदूक खरीद कर लाया था। माँ मैं फौजी बनूंगा। घृणा नफरत तुम बांटते हो, सियासी हल तुम नहीं निकाल पाते, अपने वोट बैंक के लिए बांटते हो तुम, और तुम्हारी इस दुर्बलता नाकामी और बेहुदा खेल के लिए गोली खाता है एक माँ का बेटा। उजड़ जाते हैं हंसते खेलते परिवार, यतीम हो जाते हैं दूध मुहे बच्चे, लाश शरद के इस पार गिरे या उस पार, जीत कोई जाए पर एक माँ तो हार जाएगी ना। ये काली टोपी वाला ब्लैक कैट कमांडो तुम्हारे साथ साए की तरह रहता है, इसे हिदायत है कि तुम पर गोली चले तो ये आगे आ जाए। तुम्हें क्या लगता है इसे तुम्हारी हकीकत मालूम नहीं है? एक चोर उचक के झूठे आदमी के लिए जान देने का शौक है इसे? नहीं, पर ये जान देता है, खुद मरकर भी तुम्हें जिंदा रखता है, क्योंकि ये जानता है तुम्हारे इस पद और नाम के साथ जो गौरव जुड़ा है वो तुम्हारा नहीं, इस देश इस मातृभूमि का गौरव है। मैं नहीं चाहता कि तुम माफी मांगो या ये कहो कि एक फौजी महान होता है, वो तुम्हारे घोषणा कर देने भर से ही शहीद नहीं कहलाएगा। हम योद्धा शेरनियों का दूध पीते हैं, और आज हजारों लाखों शेरनियां और सावक दहाड़ कर एक ही आवाज में पूछ रहे हैं, तुम जैसे घटिया लोगों से वो आतंकी इस बात में अच्छे नहीं है। मानता हूं कि वो लोगों को गुमराह करते हैं, उनका कोई मजहब या ईमान नहीं है, लेकिन अपनों की शहादत का अपमान तो नहीं करते? हमें अपनों की शहादत के बदले कोई धन या तगमा नहीं चाहिए। जब तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तब भी मेरे आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। मेरा भगत सिंह हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गया था, और तुम्हारे जैसे नीच नाकारा लोग सियासी गलियारों में धर्म, जाति व समुदाय के नाम पर देश बांट रहे थे। हमें स्वयं पर गर्व है, हम इस देश की जनता की रक्षा करते हैं। धूप व तपते रेगिस्तान में झुलसकर, हाड़ जमा देने वाली सर्दी में ठिठुर कर, और तुम सिर्फ पहलाते फुसलाते हो, शोषण करते हो अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए। बस इतनी सी औकात है तुम्हारी। हमारी माताएं तो हमें पैदा ही इसी दिन के लिए करती हैं, भेज देती हैं माथे पर तिलक लगाकर गर्व से ये कह करके कि जाओ बेटा, माँ बुला रही है, जाओ चुका दो मातृभूमि का कर्ज। आज जो नफरत की फसल लहला रही है ना, उसके बीज एक दिन सत्ता की भूख और हुकूमत के लालच में तुम जैसे लोगों ने ही बोए थे। मेरे अशफाक उस आजाद की जमीन पर, मेरे सुभाष के सपनों पर लाशों से भरी हुई ट्रेनें गुजरती रही, और तुम सत्ता के भूखे विलासी लोग झूठा हमदर्दी का समांग भरते रहे। तुमने लाशों के ढेर पर खड़े होकर इस देश की एकता व अखंडता की शपथ ली थी,
तुम्हारा ईमान, तुम्हारा जमीर न पहले था न आज है। अरे तुम चढ़ाओगे एक फौजी की शहादत पर पोषी जंग, तुम करोगे शहादत का सम्मान, रहने दो तुम इस काबिल नहीं। जय हिंद।